कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर हर रोज कुछ नई जानकारियां हमारे सामने आ रही हैं। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान जारी कर स्मोकिंग करने वालों के कोरोना वायरस की चपेट में जल्दी आने की आशंका जताई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के इस बयान के पीछे तर्क है कि धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के हाथ से मुंह तक कोरोना वायरस के पहुंचने की आशंका बहुत ज्यादा होती है। आपको बता दें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कुछ समय पहले धूम्रपान करने वाले लोगों पर कोरोना संक्रमण के खतरे को लेकर चेतावनी दी थी। WHO ने यह भी बताया था कि किसी भी प्रकार के तंबाकू का सेवन करने से फेफड़ों की क्षमता कम हो जाती है और कई श्वसन संक्रमणों का खतरा बढ़ जाता है, यानी सांस से संबंधी रोग की गंभीरता बढ़ सकती है। COVID-19 एक इन्फेक्शियस डिजीज है, यानी संक्रमित बीमारी है जो मुख्य रूप से फेफड़ों पर हमला करती है, तो वही धूम्रपान फेफड़ों के काम को नुकसान पहुंचाता है, जिससे शरीर को कोरोना वायरस और अन्य सांस से जुड़ी बीमारियों से लड़ने में कठिनाई होती है। WHO के मुताबिक उपलब्ध शोध बताते हैं कि धूम्रपान करने वालों को COVID-19 के गंभीर परिणामों के विकास और मृत्यु का अधिक खतरा है। तो इससे पता चलता है कि धूम्रपान कैंसर जैसी बीमारियों के साथ साथ कोरोना वायरस संक्रमण के होने के चांसेस को भी बढ़ा देता है। तो ऐसे में स्मोकिंग ना करना कितना जरूरी है, ये समझा जा सकता है।